सो हेलो गाइस, दिस इज वीएचएल टेक में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज #137। जी हाँ दोस्तों, आज 137 टेक न्यूज है और आई एम वापस से बैक। जी हाँ, बीच में वापस हम रुक गए थे, टेक न्यूज वगैरह नहीं दे रहा था, लेकिन आज से मेरा मेन प्रॉब्लम जो था वो था मतलब वीडियो क्वालिटी। तो अब मैंने नया फोन ले लिया। अभी तक अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी, सबसे पहले देख के आओ यार, देख के आओ। सैमसंग गैलेक्सी M51 मैंने ये परचेज किया है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग डाल दी है और थैंक यू गाइज, एक दिन में आपने 50 व्यूज कर डाले भाई। थैंक यू सो मच गाइज, एक दिन में 50 व्यूज, ये हमारा नया रिकॉर्ड है VHL टेकी या फिर VHL फैम। इतनी जल्दी फैम नहीं, अभी टाइम है। एनीवेज, तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो, और इसका रिव्यू, COD रिव्यू, शायद बैटरी टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट भी मैं लाने वाला हूँ। बहुत टाइम लगने वाला है पर आ जाएगा। पहले COD रिव्यू आएगा, मैं इसमें खेल रहा हूँ COD, काफ़ी मज़ा आ रहा है। स्मूथ एकदम फुल ग्राफिक्स पे खेलता हूँ फिर भी मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त है। सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसका कॉन्टेंट मिलता रहेगा। सबसे पहले COD का रिव्यू आने वाला है, कल परसों आ जाएगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर लेना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अच्छी टेक न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर पहले बार मेरे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे, जैसे नए नए वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही ज्यादा बुरी और बड़ी खबर से। जी हाँ, ऑनर मतलब Huawei जो है दोस्तों, उसका जो सब ब्रांड है या फिर छोटा ब्रांड है ऑनर, वो उसका ही है, उसको दोस्तों ऑनर Huawei ने सेल कर दिया है। ये सेल कर दिया, बेच डाला उन्होंने, कहा कि अभी हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली Huawei पे बैन वगैरह आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उससे पहले किसी और को ये बेच देते, तो उन्होंने बेच डाला। यस, ये एक बुरी भी खबर है और किसी के लिए अच्छी भी है, मुझे नहीं पता। वैसे बहुत चालाक है ऑनर कि भाई बेच डाला इतनी जल्दी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हो। बाय द वे दोस्तों, आप बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। मैं M51 से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा वीवो अब मैं इधर टेक न्यूज में मैं शूट कर रहा हूँ। तो इसका भी रिव्यू कुछ चाहिए आपको, एक साल हो गया होगा ऊपर इसको यूज़ कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। अच्छा फ़ोन है, ठीक ठाक फ़ोन है, बट स्टिल आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस वक्त का अगला खबर क्या हमारे यहाँ पर दोस्तों, एप्पल की तरफ से आईफोन 12 सीरीज के साथ बहुत कुछ हुआ। उसके जो एजेस है वो बहुत शार्प है, ऐसा सब लोगों ने बोला, लेकिन मतलब ऐसे इधर आप हाथ लगोगे तो आपके हाथ छिल जाएंगे। चाइनीज लोगों को वैसा हुआ, हम इंडियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमें कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक है चीज़ दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब एक नया इशू आ गया, जैसे एमोलेड डिस्प्ले में होता है ना ग्रीन टिंट इशू, वो आ चुका है अब आईफोन 12 सीरीज में, स्पेशली आईफोन 12 प्रो प्रो मैक्स में, कि भाई अगर आप अंधेरे में पूरा एकदम ब्लैक होगा, मतलब अंधारा होगा पूरा, अंधेरा होगा पूरा, उसमें आप इसको ऑन करोगे लो ब्राइटनेस पे, तो ग्रीन टिंट इशू आएगा, या फिर कभी कभी येल्लो हो जाएगा, कभी कभी पिंक हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आईफोन 12 सीरीज होली खेल रही है। जी हाँ, एनीवेज दोस्तों, ठीक है, अभी देखते हैं कब ये सॉल्व होता है। वैसे आपने, आप में से किसी ने लिया आईफोन 12 सीरीज, आप कमेंट करके बता सकते हो। और इतना भी बता, कितनी किडनियाँ बेचनी पड़ा, क्या क्या बेचना पड़ा, या फिर ऐसे ले लिया, आप कमेंट करके बता सकते हो। ये बीच में आ रहे नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज क्वालिटी अच्छी दिख रही है। चलिए उस बात करते हैं अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M42 ये जो स्मार्टफोन है, ये थोड़े टाइम पहले BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ था, अब EEC सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हो चुका है। और अगर हम इसकी माने तो ये नवंबर एंड या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से लॉन्च हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। देखते हैं कब ये लॉन्च होता है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। और बात बीच में हो रही है M62 की, इसी जो M51 है, M51 इसका सक्सेसर, तो देखते हैं कब आता है, ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। वैसे आप बताइए ना कमेंट में कि भाई आपको M42 में इंटरेस्ट है नहीं है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस बात करते हैं अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रेडमी नोट 9T 5G ये जो फ़ोन है दोस्तों, ये बताया जाए कि ऑन द वे है, मतलब बस आने ही वाला है। मेरे हिसाब से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये फ़ोन इंडिया में
और शायद उससे पहले चाइना में देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं दो, इसका भी सब कुंडली वगैरह निकालेंगे और आपको सब बता देंगे। वैसे लेट्स सी आने दो, ये नोट 9T 5G है, मतलब पहले वो लोग 10T मी 10T सीरीज, अभी मी 11 सीरीज, अभी नोट 9T सीरीज, भाई क्या क्या कर रहे हैं ये लोग मुझे नहीं पता, जो भी कर रहे हैं आपके सामने आने दो, सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे एक्साइटेड हो रेडमी नोट 9T में आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए और साथ का अगला खबर का यहाँ पर दोस्तों, कोरोना COVID-19 जो है दोस्तों, इसका दोस्तों आपने बहुत कुछ हमने ढूंढ लिया, मतलब पहले सैनिटाइजर, उसके बाद मास्क, उसके बाद क्या वो रोबोट वगैरह निकाले, उसके बाद वैक्सीन आई नहीं, ये तो पक्की बात है कि अभी तक नहीं आई है वैक्सीन। लेकिन दोस्तों टोरंटो में कनाडा जो है उसके अंदर दोस्तों एक बंदे ने कैसा हेलमेट बनाया कि भाई जैसे हम बाइक में कैसे हेलमेट पहनते हैं यहाँ तक आता है, वो जो हेलमेट है दोस्तों वो यहाँ तक आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हेलमेट इधर छाती तक आता है, मतलब भाई। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हेलमेट है वो आपको श्योरली प्रोटेक्ट करेगा कोविड से। वो तो सब बोल ही रहे कि मास्क भी प्रोटेक्ट करेगा, सैनिटाइजर भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सब लगा रहे पहन रहे, फिर भी केसेस वगैरह तो बढ़ी रहे, फिलहाल के लिए कम हो रहे ऐसा बताया जा रहा है, देखते हैं। लेकिन दोस्तों एक बंदे ने ऐसा हेलमेट बनाया और काफी लोग वहां पे पहन भी रहे टोरंटो में कनाडा के अंदर, उसका नाम कुछ है, रुको मैं नाम दोस्तों ये है वो हेलमेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ ऐसा हेलमेट है, इनका नाम है अल्बाइसो बासी ऐसा कुछ नाम है इनका, और इन्होंने ये हेलमेट बनाया कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट के लिए, COVID-19 को मतलब ना हो आपको। वैसे तो आने दो, ये भी इंडिया में हम पहनेंगे, जो भी हो सकता है उतना करेंगे और फाइनली कोरोना को हरा के रहेंगे। आपको क्या कहना है इसके, इस हेलमेट के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए रोसात का अगला खबर यहाँ पर दोस्तों, काफी टाइम के बाद में रियलमी की खबर देने वाला हूँ दोस्तों। रियलमी 2021 में या फिर 2021 में धमाल करने वाला है, आग लगाने वाला है, जो भी आपको बोलना है बोलिए, जबरदस्त चीजें लाने वाला है। अब आप बोलोगे कि भाई तुझे इतना सब पता है तो फिर तूने M51 क्यों ले लिया, अब वो क्यों लिया, क्योंकि मुझे 5G फोन फिलहाल नहीं चाहिए, वो सब 5G फोन्स है, तो इस वजह से मैंने M51 ले लिया, और मुझे एक अच्छा डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले, बैटरी बड़ी, क्योंकि आपका जो वीडियोज़ वगैरह शूट करना होता है वगैरह वगैरह, और परफॉर्मेंस अच्छी है, 730G बहुत अच्छी है, COD स्मूथ, मतलब मक्खन चलती है, मैं आपको रिव्यू लाऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून करना। वैसे दोस्तों रियलमी X4 सीरीज, हमें पता है X7 सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्दी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए X4 सीरीज जो है इसके पेटेंट वगैरह लीक हो चुके, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने भी वाला हूँ, तो वेट करिए मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा हो, हाँ जी हाँ, तो ये जो पेटेंट है दोस्तों वो रियलमी ने किया है, और ये सोर्स इधर है, आपको सोर्स अगर चाहिए तो दिखेगा, तो जी हाँ ये एक पेटेंट है जो रियलमी के X4 सीरीज के लिए पेटेंट फाइल किया है। अब देखते हैं इसको आने दो, थोड़े टाइम में इसको भी बता देंगे आपको भी क्या आ रहा है नहीं आ रहा, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, आने दो थोड़े टाइम में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए और साथ कर अगले खबर के यहाँ पर दोस्तों, पोको नहीं पोको जी हाँ पोको की तरफ से दोस्तों पोको M3 ये जो स्मार्टफोन है, अब ये 24 नवंबर को पोको ग्लोबल में दुबई में वगैरह लॉन्च होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है, नहीं मतलब ऑफिशियल है, पोको ग्लोबल ने ट्वीट कर दिया कि भाई 24th ऑफ नवंबर को तैयार रहना, हमारा पोको M3 आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में फिलहाल के लिए नहीं आने वाला, दिसंबर तक आ जाएगा, मतलब दिसंबर के बाद आ सकता है या फिर मिड दिसंबर, पता नहीं पोको क्या करना है, मतलब क्या करने वाला है, धमाल करेगा नहीं करेगा रियलमी की तरह, वो मैं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे एक्साइटेड हो पोको M3 के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए और साथ का अगला खबर गई वहाँ पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से, दोस्तों आज ओप्पो का आज 17 नवंबर है, और आज दोस्तों ओप्पो का इनो डे था, इनो डे मतलब इनोवेशन डे, जी हाँ, तो उसमें दोस्तों उन्होंने लॉन्च किया अपने दो चीज़ें, एक उनके एयर ग्लासेस जो कि
सब कनेक्टेड वगैरह है, मतलब लाइक कॉल करना है, मूवीज देखना नहीं, मतलब गाना सुनना है वगैरह वगैरह, तो आप सब कर पाओगे। ये लॉन्च नहीं किया, ये दोनों भी उन्होंने कॉन्सेप्ट में रखा है। और एक जो है वो जबरदस्त, मैं आपको अभी एक वीडियो भी प्ले करके दिखाने वाला हूँ, जबरदस्त है दोस्तों वो। ओप्पो का रोलेबल या फिर क्या बोलूँ उसका नाम ही मुझे, ओप्पो एक्स, ओप्पो रोलेबल एक्स या फिर ओप्पो स्लाइडर एक्स, ऐसा कुछ उनका नाम है। बहुत ही जबरदस्त, आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट है, जब वो आएगा इंडिया में मजा आने वाला है। आप वीडियो देखिए गाइज, ये वीडियो देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे करके फोन जो है वो ऐसे स्लाइड करके आएगा, जबरदस्त है। मतलब आपको ऐसे सिर्फ उंगली है आपकी जो फोन पे ऐसे करना है, तो ये पूरा ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा। कमाल है दोस्तों, टेक्नोलॉजी कमाल है। ये इंडिया में आने दो, मजा आने वाला है दोस्तों। 2021 में इनोवेशन की बौछार या फिर बारिश होने वाली है। जी हाँ, आने दो, सारी जानकारी जब आएगा या फिर लॉन्च डेट वगैरह आएगी। वैसे आप बताना मुझे कमेंट में आज का ये आपका बस आपको बताना ही आज कमेंट में कि भाई आप ऐसे फोन्स अगर आते हैं तो क्या आप ट्रस्ट करोगे, या फिर ऐसा करोगे भाई बिगड़ गया तो ये वो, मतलब आप बताना कमेंट में, खरीदोगे ऐसे फोन्स नहीं खरीदोगे, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं खरीदूंगा पर देखते आने दो, मतलब खरीदूंगा, मतलब ऐसे अच्छा तो लग रहा है पर बीच में बिगड़ वगैरह गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप मुझे बताना कमेंट, बताइए कमेंट में, बताइए आप कमेंट करके बता सकते। फिलहाल इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, इंडिया में आएगा तो शायद लॉन्च भी कर दे या फिर वो भी कॉन्सेप्ट ही रखे, देखते कब आता है, सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का अगला खबर यहाँ पर दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया, ये दोस्तों कल इसका एक जबरदस्त ट्रेलर आने वाले, कल 18 नवंबर है और अकॉर्डिंग टू क्रॉन्टन गेमिंग उन्होंने ऐसा कहा कि 20th नवंबर को पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियली प्ले स्टोर और एप स्टोर में लिस्ट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, आप डाउनलोड करके खेल पाओगे, मजा आने वाला है दोस्तों। पबजी वापस आ रहा है पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से, वो भी 20 नवंबर को अकॉर्डिंग टू क्रॉन्टन गेमिंग। आपको पता होगा अगर आप गेमर हो तो, पबजी वगैरह पबजी लवर हो तो फिर आपको तो पता ही होगा 100%, मुझे भी पता है क्रॉन्टन गेमर, तो उन्होंने कहा कि भाई 20th नवंबर को आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है और वगैरह। और ऐसा भी पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि अभी ये पबजी वाले खुद ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो उनको ग्रीन सिग्नल दिया ही नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ऐसा अभी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। और फौजी, मुझे नहीं पता फौजी का क्या होगा भाई, गई वो तो फिर, क्योंकि फिर भी हम उसको शायद एक आगे वाला स्टेप दे दे, क्योंकि यार इंडियन कंपनी है, इंडियन गेम है, बनने वाली है, तो देखते हैं। फौजी को भी आने दो, पबजी को भी आने दो, सबका गेम प्ले करेंगे, सब वीडियोस आपको मिल जाएगी, बस आप सब्सक्राइब करके रख देना। क्या आपको पता है कि दोस्तों जो रॉल्स रॉयस कार होते हैं, रॉल्स रॉयस मतलब जो भी आप बोलो, रॉल्स रॉयस मैं बोलता हूँ, तो उसको जो बनाने में 6 महीने लगते हैं और उसकी एवरेज लाइफ 100 ईयर्स होती है, 100 साल तक वो गाड़ी बड़े तरीके से चलती है, एक फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। तो आज के डेट में सबको खत्म हो जाते हैं, मत करो आज के डेट में, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कर दो यार अभी सब्सक्राइब, इतने ज्यादा आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो और बढ़ा दो, 100 तक पहुंचा दो, अभी कितने चाहिए, 19 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, कम ऑन। एनीवेज तो मिलता हूँ आपसे अगले, ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।